जय श्री कृष्णा। आश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि कब है? आश्विन मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है और मान्यताएं हैं कि इस दिन रात में खीर बनाकर खुले आसमान में रखने से खीर में अमृत की बूंदें आती है, अमृत की बूंदें पड़ती है, जिसे खाने से हम सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, हम लोग दीर्घायु होते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, साथ में विष्णु भगवान की पूजा करने से अखंड धन धान्य की प्राप्ति होती है। 2022 इस वर्ष जो है किन किन राशियों का भाग्य खुलने वाला है शरद पूर्णिमा के दिन, किन किन राशियों की लॉटरी लगने वाली है। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक अवश्य करें। आइए जानते हैं कि शरद पूर्णिमा किस दिन मनाई जाएगी और किन राशियों के भाग्य चमकने वाली है। शरद पूर्णिमा के दिन रात्रि में खीर अवश्य बनाएं और उस रात्रि में खीर नहीं खाना चाहिए, उसे खुले आसमान में किसी चलनी वगैरह से ढक दें और सुबह उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण की जाए। शरद पूर्णिमा का मान्य 9 अक्टूबर 2022 को है। ओम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्म्यै नमः। आप इस मंत्र का जाप करें जिससे लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। एक विशेष बात ध्यान रखें, आप जिनके घर में व्यक्ति रोगग्रस्त हैं, रोगग्रस्त बोले तो जिनके घर में कोई व्यक्ति लगातार रोग से ग्रसित हैं, एक अचूक उपाय इस दिन आप कर सकते हैं। एक बाल्टी में जल लें और उसमें थोड़ा फिटकरी डाल दें और उस जल को खुले आसमान में रख दें। खुले आसमान बोले तो आप छत के ऊपर रख सकते हैं, अपने आंगन में रख सकते हैं और उसी जल से उस व्यक्ति को सुबह स्नान कराएं, जिससे उनकी रोग जो है वह खत्म हो जाए और वह निरोग हो जाए। जो पहला राशि के जातक हैं वे हैं मेष राशि वाले। मेष राशि के जातक का किस्मत खुलने वाला है, वे जो भी काम करेंगे उसमें इस दिन से उनकी आय में वृद्धि होगी, वो समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा, उनका शत्रुओं का नाश होगा और अगर वो कहीं यात्रा पे जा रहे हैं तो यात्रा से भी धन कमाने का योग उनका बन रहा है। जानते हैं दूसरा कौन सा राशि के जातक हैं जिनका इस शरद पूर्णिमा के दिन किस्मत खुलने वाली है? तो राशि दूसरा है वह है कन्या राशि। कन्या राशि के जातक का किस्मत भी इस शरद पूर्णिमा के दिन खुलने वाला है, जिससे उनका पद का प्रमोशन हो सकता है, उनकी वेतन वृद्धि हो सकती है, कार्यस्थल पर उनकी का मान सम्मान बढ़ने वाला है। ये जानते हैं तीसरा कौन सा वह भाग्यशाली राशि वाले व्यक्ति हैं जिनका इस शरद पूर्णिमा के दिन भाग्य खुलने वाला है? जो तीसरे राशि हैं वे हैं तुला राशि के जातक। तुला राशि के जातकों का आय में वृद्धि होने वाली है, उनका रुका हुआ काम बनने वाला है, किसी काम में वह बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं, कार्यस्थल में उनकी प्रगति होने वाली है, कार्य क्षेत्र में बड़ी जिम्मेदारी भी उनको मिल सकती है और उनके पार्टनर का सहयोग मिलने का योग बन रहा है, माँ लक्ष्मी की कृपा भी बन रही है। आइए जानते हैं अगला राशि कौन सी राशि के जातक हैं जो शरद पूर्णिमा के दिन उनका भाग्य खुलने वाला है? वह है धनु राशि। धनु राशि के जातक के बॉस उनको कीमती गिफ्ट उपहार में देने वाले हैं, बॉस आपके काम की सराहना करेंगे, पार्टनर से सहयोग मिलने की संभावना है, आपके कार्यस्थल में आपका नाम बढ़ेगा, लक्ष्मी की अपार कृपा आप पर बरसने वाली है। तो ये चार राशि वाले शरद पूर्णिमा के दिन इनका भाग्य खुलने वाला है। तो अगर आपका भी यह राशि है तो माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर अवश्य होगी, उसके लिए ओम महालक्ष्म्यै नमः, ओम श्रीयै नमः का जरूर जाप करें और यथासंभव हो सके तो हवन करें, सत्यनारायण व्रत कथा का श्रवण करें, जिससे भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बरसती रहे। आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी।
वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।